पहुंचा दिया तो लोग हिदायत याफ्ता नहीं हुए तो काम तो पूरा नहीं। रब्बुल आलमीन सूरह वाइदा आयत नंबर 67 में हमें बयान कि मैंने अपने हबीब रसूल से एक वादा कर लिया है। रब्बुल आलमीन मैं या यो रसूल ए मन से भी रिसाल को देख दे वाली मब्दी पहुंचा दीजिए जो उतारा गया आप पर आपके रब की तरफ से। हम तपन समा बल्लह का रिसाल अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने रब का पैगाम न भेजा ना होता। लेकिन कोई आपको किसी से बात करते हैं कि मैं काम कर दिया हूं अगर तुमने काम ना किया तो फिर मतलब यह है कि तुमने काम ना किया। मेरा काम तुमने कहना नहीं माना। ये इंसान उस वक्त बोलता है जबकि दूसरे को तंबीह करना मकसूद हो। भाई जाइए काम करके आइए इसे पहुंचा कर आइए अगर नहीं पहुंचाई ना इसका मतलब यह है कि आप मेरा कहना नहीं। दूसरे पर शख्स पर एक जोर लगाया जाता है कि तंबीह की जाती है जबकि ये खतरा होता है कि कहीं के दरमियान में मामला को छोड़ ना दे। लेकिन यहाँ तो इस चीज का तस्वूर ही नहीं। और रब फरमाता है यहाँ ये मस्जिद बल्ले मामन सी नहीं लगे मन से नबूत करो जिनको देखने वाले रसूल पहुंचा दीजिए वो चीज आपके नाजी की गई आपके रब की जानी से। वैलम तपल फमा बल्लक का रिसा रहता अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अपने रब की हम बोला ये जुमला ये कहने की वजह क्या है। बाकी जाती है तो अपना एक जोर सर्च किया जाता है उसको तंबी की जाती है कि दरमियान में छोड़ ना देना ऐसा काम ना कर देना गलत हरकत ना हो जाए मामला ऐसा ना हो जाए। यहाँ तो इसका तस्वीर ही नहीं तो ये जुमला इस अंदाज में क्यों आया। वही हम तपन फमा बल्लक का रिसा रहता ये असल में उन मुशरिकीन मक्का के लिए पैगाम था ये दूसरे गैर मुस्लिमों के लिए पैगाम था। आदमी आएगा दादे तुम्हें तबलीग फरमाएंगे उसके लिए मेरा हुक्म यह है कि आपने हर सूरत में ये काम करना ये नहीं होगा कि तुम लोग मोहलत मांगते फिर और जना मेरे यहाँ पर ये मामला नहीं बनेगा। और ये वजह है जब मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मनव्वरा में तशरीफ लाए तो ये गिर्द की बस्तियों पर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में जाया करते थे लश्कर लेकर पहुंच जाया करते थे और वहां पर पहुंच के और वहां पर कैताल हुआ करता था जिहाद हुआ करता था। मेरे आका ने खैबर पर अचानक चढ़ाई कर दी क्यों वक्त थोड़ा है और काम जल्दी जल्दी मेरे सारा पहुंचा थोड़े से वक्त में 9.5 साल के अरसे बस सीधा मदीना मनव्वरा 6 महीने पहले निकाल दीजिए आपके इंसान आते हैं सेट होते हैं मामले बनते हैं 9.5 साल के अरसे में बोलिए सारी दुनिया में पैगाम पहुंचाना। ये असल में ये लोगों के लिए पैगाम था कि मेरा मैंने अपने महबूब के जिम्मे अपने जिम्मे काम से काम लगा लिया है अब उसने करना है करके रहेगा। अब इसके काम में अगर तुम ये समझो कि तुम कोई मोहना चाहते हो तो मोहना वाली बात नहीं होगी हमने हर सूरत में ये काम करना। और ए महबूब देखिए गौर कीजिए जो बात आ रही है उसमें क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है कि अल्लाह आपको लोगों से बताएगा ये तसल्ली दी जा रही है यहाँ से मुकमिन नास और अल्लाह आपको लोगों से बताएगा। मेरे आका की जो ख्वाहिश ये है कि यहाँ मैं मेरे आका ने मतलब अभी तो बुखारी के लिए मैं मोहब्बत करता हूँ इस बात से मैं पसंद करता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में कतल किया हूँ फिर जिंदा किया हूँ फिर कतल किया हूँ फिर जिंदा किया। मेरे आका के लिए ख्वाहिश है और रब्बुल आलमीन ने ये बात जो हमारी वल्लाह और यहाँ से नौकर मेरे नाश अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में कोई खौफ न था कोई डर न था कि कोई मुझे क्या कर जाएगा अगर मैंने तबलीग रिसालत का काम किया बल्कि मामला यह है कि ये मुशरिकीन और दूसरे लोगों को पैगाम है कि तुम मेरे महबूब का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे मैं खुद उसका मुखातिब इन अल्लाह ला यहदी القوم الكافرين वैसे अल्लाह हिदायत नहीं देता काफिरों को। मेरे महबूब ने जब ना काम करना ही करना है अब ये बिना आखिर में क्यों है इसलिए कि कोई शख्स ये ना अगर रिसालत का काम पहुंचा दिया था तो रसूल ने पहुंचा दिया तो लोग हिदायत याफ्ता नहीं हुए तो काम तो पूरा नहीं परवरदिगार ने भरपूर तरीके से बात कही बात साफ फरमा दी मेरे भाऊ आपने तबलीग करनी है अगर आपने ऐसा ना किया तो मेरे साथ का काम ना पहुंचाया अगर आपको लोगों की मदद करेगा। लेकिन रब्बुल आलमीन ने जिम्मेवारी भी ली सारे काम भी हुए लोग मुसलमान नहीं हो रहे फिर क्या हुआ काम तो पूरा ना हुआ और काफिर ईमान नहीं लाते तो ना लाए मैंने खुद उनको हिदायत नहीं दी। रब्बुल
العالمین کے اپنے محبوب سے محبت کا اندازہ کیجیے کہ یہاں پر پروردگار نے یہ بات نہیں فرمائی کہ کافر لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہیں رب العالمین، کیونکہ حضور نے تبلیغ کرنے کے پیغام آگے پہنچانا تھا اور لوگوں نے قبول نہیں کیے، تو کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ حضور کی تبلیغ کرنے کے انداز میں کوئی کمی کی نہ ہو؟ رب العالمین نے اس بات کا جواب اس طور پر دیا، یوں نہیں فرمایا کہ کافر قوم ہدایت یافتہ نہیں، یہ بات نہیں فرمایا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ہدایت دینے جہاں تو میرے دن میں کرم پہ ہے نا، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے کافر قوم کو، وہ بات یہ اپنے ذمہ رب العالمین رکھتی ہے، کوئی میرے ماؤ پر یہ نہ کہے کہ انہوں نے تبلیغ رسالت میں کوئی کمی آنے دی ہے، نہیں، اگر کوئی اگلی ایمان نہیں لایا تو اس بات کو میرے طرف لوٹاؤ، میرے محبوب کی طرف نہ لوٹاؤ، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میرے طرف لوٹاؤ گے تو میں کون ہوں؟ سبحان اللہ السلام، میں تو سبحان پاک ہمارے،